तो दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना इस दिवाली के मौके पर मैं आप लोगों के साथ अपने बचपन के कुछ मज़ेदार और ख़तरनाक किस्से शेयर कर दूं, जिनसे हो सकता है कि आप लोग भी कुछ रिलेट कर पाओ। तो ये बात तब की है जब मैं एक छोटा और काफ़ी शरारती बच्चा था, और हमारे आसपास जो लोग रहते थे वो लगभग सारे लोग ही मुझसे परेशान रहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इसकी दिवाली तो 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। और ये बात वाकई में सच है, मुझे पटाखे फोड़ने इतने ज़्यादा पसंद थे, मतलब इतने ज़्यादा पसंद थे, और दिवाली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल हुआ करता था। और कोई फेस्टिवल से मुझे इतना मतलब नहीं था, मुझे था कि दिवाली जल्दी से आ जाए, और उसी वजह से मैं वेट नहीं कर पाता था। इसलिए मैं दिवाली से 1.5-2 महीने पहले ही, मतलब मैं छोटे पटाखे फोड़ना शुरू कर देता था, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले, जैसे कि सबसे फेमस जिसको सभी जानते हैं बिजली बम, मैं वो जलाना शुरू कर देता था। और मुझे ऐसा लगता था कि दिवाली जो है एक ही दिन में, मतलब मेरे को पटाखे फोड़ने क्योंकि इतने पसंद थे, तो मुझे लगता था कि यार एक दिन से मेरा कैसे काम चलेगा। और उसी वजह से आसपास के जो लोग होते थे वो सब परेशान हो जाते थे, और ये हर साल की कहानी थी, तो सबको पता लग जाता था कि यार ये जो है ना, ये अक्षत ही है, पटाखे बजाने इसने शुरू कर दिए, शुरू हो गई इसकी दिवाली अभी से। तो हमारे जो घर है, घर के आगे एक पार्क टाइप था ठीक ठाक साइज का, और उसी में हम लोग पटाखे जलाने शुरू कर देते थे। हम कुछ 2-3-4 दोस्त इकट्ठे हो जाते थे, और हम अपनी पटाखों की थैली लेके निकल जाते थे। मेनली उसमें हमारे बिजली बम के पैकेट होते थे, और बस हमारी माचिस से होती थी उसके अंदर। तो जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं सारे के सारे उसी पार्क में किए जो हमारे घर के सामने था। तो हम लोग क्या करते थे, जो बिजली बम है, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ तो आपने बिजली बम को देखी होगी जलाने की, कि लोग उसको हवा में फेंकते हैं। तो ये सबसे कॉमन चीज़ थी जो हम सब लोग किया करते थे, क्योंकि इतने पटाखे जलाते थे कि नॉर्मल चीज़ तो मतलब हमको बहुत ही छोटी लगती थी। तो मतलब डर भी ख़त्म हो चुका था पटाखे जलाने से, सेफ्टी से जलाते थे हम लोग। लेकिन फिर भी दूसरी चीज़ जो हम करते थे, वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ रहते थे, तो हम लोग जो पेड़ है उसके किसी पत्ते के अंदर एक छोटा सा होल करके उसी बिजली बम से उसके अंदर हम फिट करके आग लगा देते थे। तो हम लोगों को चुल मचती थी कि यार इसको अलग तरीके से फोड़ के देखते हैं। इंटरेस्टिंग लगता था देखने में उस समय जब छोटे थे हम लोग। कहीं पे ईंट ले ली, ईंट के नीचे रख के जला दिया कि देखते हैं ईंट को कितना हिला पाता है, वो ईंट उड़ पाती है कि नहीं, ईंट टूटती है कि नहीं, क्या होता है। एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती थी, जो लक्ष्मी बम आया करते थे, इनको लक्ष्मी बम बोलते हैं, और बड़े से होते हैं वो, मतलब कह सकते हो आप बड़ा बिजली बम टाइप होता है वो, थोड़ा डेंजरस होता है, तेज़ फटता है वो, उस पर काफ़ी कागज़ की लेयर होती है, और जैसे ही वो फटता है वो बहुत कचरा फैलाता है, ये सबको पता है ये चीज़, और वो कूड़ा कूड़ा कर देता है, क्योंकि वो फटता है, बहुत कागज़ होते हैं, सब फैल जाते हैं अच्छे से वो। तो हम लोग उसको मिट्टी में गाड़ते थे, मतलब एक छोटा मोटा गड्ढा करते थे और मिट्टी हटा के उसको बीच में रख के मिट्टी उसके आसपास लगा देते थे, और जब वो फटता था तो उसमें धूल उड़ती थी ऊपर तक, तो वो इंटरेस्टिंग लगता था। मैंने वही कहा ना, जैसे कि नॉर्मल जलाने से तो हमारा मतलब खत्म ही हो चुका था, हमें तब सब एक्सपेरिमेंट करने थे नए नए तरह, क्योंकि इतने सालों से जला रहे थे, कुछ नया चाहिए। और जो हम छत पे जाते थे वहाँ पे भी हम लोग फोड़ते थे, क्योंकि छत पे ज़्यादा बड़े बम नहीं फोड़ सकते, रिस्की होता है, तो हम लोग छोटे वाले बिजली बम, लक्ष्मी बम, मैक्सिमम बुलेट बम, ये सब फोड़ते थे हम लोग। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने एक नया तरीका ही ईजाद कर लिया था चकरी को जलाने का, जो और भी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में। तो हम लोग फुलझड़ी, जो जली हुई फुलझड़ी रहती थी हमारी, उससे छेद करते थे चकरी के बीच में, तो वो उसके आर पार हो जाता था। उसके बाद हम क्या करते थे कि उस चकरी को हम लोग एक ईंट में फंसाते थे, दीवार पे रखते थे उसको, वहाँ पे दीवार पे जगह रहती थी रखने की, और जैसी चकरी को आग लगाते थे चकरी जो है वर्टिकली घूमना शुरू कर देती थी, मतलब सामने की तरफ से हम चकरी को देख सकते थे, और कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती थी, चकरी निकल भी जाती थी उसमें से, तो गड़बड़ हो जाती थी, फिर हम सबको भागना पड़ता था। तो ये भी रिस्की था, और कुछ हमने एक दो गड़बड़ी और भी करी है ऐसी, कि जैसे एक रॉकेट जो आता है, एक तो चला जाता है सीधे और आवाज़ निकालता है, सीटी से बजाता है और वो फटता नहीं है, एक रॉकेट रहता है जो ऊपर जाता है और वो फटता है, तो वो वाला रॉकेट बड़ा रॉकेट होता है, तो उसका हम लोग डंडी तोड़ देते थे, और हमको होता था कि यार इस रॉकेट को यहीं पे देखना है, चला कि ये ऊपर जाके दिखता है, यहाँ पे देखना है ये कैसा फटता है, और मतलब क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करते थे, छत पे उसको 2-3 ईंट के नीचे दबा देते थे, क्योंकि उसका थ्रस्ट काफ़ी अच्छा होता है कि यार ये उड़ ना जाए, कहीं चला ना जाए, उसको दबा के वहीं पर जला देते थे, और वो वहीं पर बेचारा अपनी दम तोड़ देता था। काफ़ी फ़र्क होता है नीचे, वो बहुत तेज़ लगता है, वो इसलिए बना भी होता है ऊपर जाके फटने की। इस तरह की गड़बड़ी भी हमने करी है, मतलब अच्छा
अच्छा खासा परेशान किया है हमने उस समय, अपने आसपास वालों को बहुत परेशान किया है। पर जो भी हो, दिवाली पे मज़ा बहुत आता है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत ही मज़ेदार रहेगी, सेफ रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये स्टोरी टाइम पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहो तो कोई कमेंट भी कर सकते हो, मैं उससे पढ़ना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द।